ये मुरार में एक गिरोह पकड़ा गया है जो कि मूलतः फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला है, और इसको पकड़ने में एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडोतिया, सीएसपी मुरार और टीआई मुरार ने बड़ी मेहनत की है। और शहर में दो तीन घटनाएं इस तरह की हुई थी कि जिसमें व्यक्ति को धोखा देकर और जो चिट निकलती है, चिट निकाल के कि पहले उसको 500 रुपये, 10 रुपये लगाए तो 500 रुपये मिल गए, 500 लगाए तो 1000 मिल गए, और फिर जब बड़ा उसने अमाउंट लगाया तो कुछ नहीं मिला, और इसके बाद ये लोग भाग जाते थे। तो ये 7 लोगों की कुल गैंग पकड़ी गई है जो कि पड़ाव के एक होटल में पिछले 20 दिनों से रह रही थी। इनके पास से करीब 50,000 रुपये कैश मिले हैं, और एक FIR थाना हजीरा में हुई थी जिसमें एक व्यक्ति इन्हीं के पास अपनी सोने की अंगूठी हार गया था, और इसी प्रकार की एक FIR थाना मुरार में है जिसमें एक अन्य व्यक्ति अपनी अंगूठी गंवा बैठा था। इनके पास से 4 अंगूठियां सोने की मिली हैं और 50,000 कैश मिला है। ये 7 लोग लगातार ऐसे व्यक्तियों को अपना निशाना बनाते हैं जो उनको लगता है कि इजीली लालच में आ जाएंगे, और व्यक्ति जब शुरू में कम पैसे लगाता है उसको ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं, और जब वो बड़ा रकम लगाता है या कोई सोने के जेवरात लगाते हैं तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो ये 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनका अभी पुलिस रिमांड लिया जा रहा है, और उसके बाद उम्मीद है कि इनसे कुछ और वारदातें सिर्फ ग्वालियर की नहीं अन्य जिलों की भी निकलनी चाहिए।